सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। इस प्रोग्राम में यानी कला प्रोग्राम में कई बड़े बड़े आर्टिस्ट से आप मिल चुके हैं। यकीन मानिए हमारे देश में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और समय समय पर कला प्रोग्राम में ऐसे ऐसे कलाकार से आपको मिलवाते रहते हैं। कुछ लोग पेंटिंग्स करते हैं, कुछ लोगों को स्कल्पचर में रुचि है उन लोगों को, और कुछ लोग बहुत अच्छी मूर्तियाँ सब बनाते हैं। ऐसे बहुत से कलाकारों से आप मिल चुके हैं, लेकिन आज जिस कलाकार से आपको मिलवाएंगे, वैसे आप उनसे मिल ही चुके हैं क्योंकि अभी हाल में नेल्सन मंडेला जो सेंटर है वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, एग्जीबिशन में आपको एक कलाकार से मिलवाए थे, रवि जी। रवि जी से आज हम आपको मिलवाएंगे और उनके बारे में और उनके कला के बारे में आपको ज़्यादा आप जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको रवि जी से मिलवाते हैं। रवि जी हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते रवि जी। हमारे जो दर्शक हैं आपसे परिचित हैं क्योंकि पहले भी मिल चुके हैं, और आप थोड़ा अपने बारे में और अपनी कला के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन आज मुख्यतः आपसे ही बात करेंगे क्योंकि पिछले बार जब हम मिले थे तो अनेक कलाकार थे उस प्रदर्शनी में, और आज विशेषकर हम आपकी सारी जो है ये सब चित्र जो है इस पर आप बात करेंगे। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि अध्यापक है, लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं जीवन में। नमस्ते रत्नमाला जी। तो मेरा नाम रवि है, रवि बिकारी। मैं सैंपिया का रहने वाला हूँ, ऑर्ट एंड डिज़ाइन शिक्षक हूँ, और इसलिए एक मोशन कला संगठन है, इसलिए माने एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन, उसका मैं एक सदस्य हूँ। तो कला में मेरी रुचि है और विशेषकर मैं पेंटिंग करता हूँ। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे रुचि आप में आई, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको पेंटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रुचि कैसे आप में आई? यूँ तो बचपन से ही मुझे कला में रुचि रहा है। स्कूल्स में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे आर्ट में, लेकिन जो प्रेरणा है मुझे तब मिला जब मैं HSC की पढ़ाई कर रहा था। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर आर्ट की कक्षाएं नहीं थी, तो हमें छात्रों को अपने आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होना पड़ता था। तो मैं उस वक्त ट्यूशन भी नहीं लेता था। तो तब मैं जा पहुंचा MGI महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका में। तो सप्ताह में एक बार स्कूल के बाद मैं वहां पर जाता था एक हॉबी कोर्स के लिए। वो हॉबी कोर्स फ्री था, और जिस समय मैं हॉबी कोर्स के लिए जाता था तो वहां पर डिप्लोमा के स्टूडेंट भी आते थे अपना कोर्स लेने के लिए। तो मैं देखता था कि किस तरह डिप्लोमा के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग कर रहे हैं। मुझे अभी तक याद है प्रिंट मेकिंग इंक का एक सुगंध है। तो ये सब वातावरण मुझे बहुत प्रभावित किया, और तभी से मैंने मन लगा लिया था कि HSC के बाद मैं कला के क्षेत्र में ही जाना पसंद करूँगा। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। रवि जी, आप बता रहे हैं कि आपको बचपन से ही ये शौक है, लेकिन जो आर्टिस्टिक सफ़र है ये आपको कैसे आपने शुरू किया, नौकरी शुरू करने पर या उसके बाद या उससे पहले? हाँ, HSC के बाद मुझे काम मिल गया इम्पीरियल कॉलेज में जी। तो मैं आभारी हूँ इम्पीरियल कॉलेज के मैनेजर मिस्टर बुदू को, जिन्होंने मुझे नौकरी दिया था और सुविधाएं भी दी थी कि ताकि मैं अपना जो पढ़ाई है वो काम के साथ कर सकूं। तो पार्ट टाइम बेसिस पे मैंने MGI और यूनिवर्सिटी मॉरिशस में अपना कला आर्टिस्टिक पढ़ाई जो है कर सका, अपना डिप्लोमा और डिग्री मैंने समाप्त की। और आर्टिस्टिक सफ़र जो है वो तब शुरू हुई जब 2010 में मैं स्टेट स्कूल्स में काम करने लगा। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई
मिसिस दीपा बहादुर जी से। तो उस समय दीपा बहादुर जी ACA संगठन का सेक्रेटरी थी, तो उसके द्वारा मैं ACA का सदस्य बन पाया और तभी से आज तक मैं ACA के हर एक गतिविधि में भाग लेता रहता हूँ, अपना योगदान देता रहता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर जैसे मैं देख रही हूँ ये सब आपकी जो पेंटिंग्स है, थोड़ा इसके बारे में आपको मैं बताएं। जी हाँ, यूँ तो मॉरीशस चौथा सा देश है लेकिन अपने इतिहास से और संस्कृति से भरपूर हैं, तो मैं मॉरीशस पे ही आधारित पेंटिंग करता हूँ और ज़्यादातर मैं मॉरीशस के संस्कृति पे ज़्यादा जोर देता हूँ अपने पेंटिंग्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं यह मॉरीशस पे ही आधारित हैं, जो मॉरीशस का मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट्स हैं इसको दर्शाने की कोशिश किया है इस पेंटिंग में। ये अभी तक अधूरी हैं तो ये मॉरीशस एस्पेक्ट्स पे आधारित हैं। और जिसे मैं देख रही हूँ इसमें वो महिलाएं नृत्य कर रही हैं। जी हाँ, एक सिगा है और एक भारतीय मॉरीशस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहचाना। तो इस पे मैंने कई पेंटिंग्स बनाए हैं इस तरह के, जहाँ पर जो यूनिटी है मॉरीशस में, तो संस्कृति का मिलन जो है वो मैं अपने डाइवर्सिटी है लेकिन हाँ तो एक सुंदरता है हमारे देश का, तो यही मैं अपने पेंटिंग्स में दर्शाता रहता हूँ। मल्टीकल्चरल हमारा जो है ऐसे देश में रहे हैं, अनेक जो है जाति के लोग हैं। जी हाँ, तो बहुत सुंदर है इसमें एक सेगा कर रही है, उधर भी एक महिला। जी हाँ, वेस्टर्न चाइनीज तो इसको सब मिक्स किया है, मिक्स मीडिया। हाँ, जी हाँ, इसी के साथ एक कंपोजिशन बनाया है और इसमें मैंने मिक्स मीडिया का उपयोग किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कोलाज है और पेंटिंग भी है। और इधर भी हम देख रहे हैं हमारे जो हमवतन, हमारे जो अच्छे जी हाँ स्पोर्ट्स करने वाले हैं। जी हाँ, स्पोर्ट्समैन। तो ये भी जैसे कि मैंने कहा मैं मॉरीशस पे ही पेंटिंग बनाता हूँ, तो कभी कभी जो भी कलाकार या स्पोर्ट्समैन होते हैं जो देश को के नाम ऊंचा करते हैं, तो एक तरह से उसको सम्मान देने के लिए पेंटिंग रंगों से सम्मानित देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पेंटिंग है, मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो ये पेंटिंग है और इसमें प्रिंट मेकिंग भी है। स्टीफन बर्कलैन है और एरिक मिलाजो। बहुत बहुत अच्छी बात है रवि जी कि हमारे जो हमवतन हैं उनका नाम भी आप एक तरह से ऊँचा कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स में, उन लोगों के जो कृति है और फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा आपके जो जो थीम है जो आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इस पर आप बात करें। जी हाँ, यूँ तो हर आर्टिस्ट का एक टेक्निक्स होता है जो प्रिय है, तो मेरा मैं पेंटिंग ज़्यादातर करता हूँ और पेंटिंग में भी कुछ प्रयत्न करता रहता हूँ। तो हर मैं मानता हूँ कि हर कलाकार के लिए एक व्यक्तिगत स्टाइल होना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि मैं मेरा जो आर्टिस्टिक सफ़र है मैंने शुरू किया है और काम करते करते अभी कुछ मेरे व्यक्तिगत स्टाइल जो हैं दिखने लगे हैं, तो मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा और आशा करता हूं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा व्यक्तिगत स्टाइल जो है वो और भी उभरेगा और सामने आएगा। बहुत सारे और पेंटिंग्स हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आइए, यह पेंटिंग भी मॉरीशस संस्कृति पे आधारित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनमें कई विभिन्न तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मॉरीशस में उपयोग होता है। इसमें
सिगा के इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स, तबला इत्यादि हैं, तो इनके साथ मैंने एक कंपोजिशन बनाया है। और जो रंग मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ज़्यादातर रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन का इस्तेमाल करता हूँ, जो मॉरिशस को ही दर्शाता है। और यहाँ पर जो है ये जो पेंटिंग्स है इसका, हाँ जी, ये एक टेक्सचर है। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अपने आर्टवर्क्स में, तो ये मेरा प्रयास रहा था कि क्यों ना कैनवा के ऊपर कुछ टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर को पहले मैं चिपकाता हूँ और उस पे मैं पेंटिंग करता हूँ। बहुत सुंदर। और इधर भी जो है, ये हमारी संस्कृति ही पर ही है, और मैं देख रही हूँ इसमें जो है ये एक महिला जो है नृत्य कर रही है ना। जी हाँ, तो ये इसमें अफ्रीकन और इंडियन संस्कृति का मिलन है। तो जैसे कि मॉरिशस में अनेकता में एकता होती है, हमारे देश की सुंदरता होती है। हाँ, तो ये यूनिक है, यूनिक है बिल्कुल। और इसलिए जो हमारे पर्यटक जो मॉरिशस आते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और अचंभे में पड़ जाते हैं कि मॉरिशस में इतनी सारी जातियाँ हैं, लेकिन जो एकता है ये हमारी विशेषता है। हाँ, एकदम सही आपने बताया। हाँ जी हाँ, तो ये सुंदरता को मैं अपने कैनवा पे उतारने की कोशिश करता रहता हूँ। और ये देखकर लोग बहुत से प्रभावित होंगे। जी हाँ, और मैं हमारे देश के प्रति जो जो वैल्यू है, जो रौनक है, ये बहुत अच्छी तरह से आप दर्शा रहे हैं। जी। और इधर इधर तो हमारे जो पक्षी है, डुडु पक्षी। जी हाँ, वो भी बहुत विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। यूनिक हैं और मॉरिशस के लिए तो एक आइकन के जैसा है। तो इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो बैकग्राउंड है मैंने फिंगर पेंटिंग किया था। अच्छा। और ऐसे इसमें जो कलर है थोड़ा मिक्स। ये कलर काफ़ी स्पेशल हैं, तो ये ग्लॉसी हैं और लाइवली हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, और इधर इधर तो एकदम ये हमारे लोकल आर्टिस्ट। हाँ, ये तो इस ये संगठन जो है एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन हर साल विश्व कला दिवस मनाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मॉरिशस में हर साल जब एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन अपना प्रदर्शनी लगाता है तो मैं भाग लेता हूँ। और हर प्रदर्शनी में मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं एक मॉरिशन कलाकार पे ही एक पेंटिंग बनाऊँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिशेल लेग्री हैं, इसका शीर्षक है मुकापिटेन। तो बहुत प्रसिद्ध सेगा भी है, अब वो नहीं रहे। हाँ। तो ऐसे ही मैंने कई मॉरिशन कलाकारों के ऊपर मैंने पेंटिंग बनाए हैं, जैसे चिफ़ोया, सुना नुयान, सेज़ लेब्रास, और इस साल की प्रदर्शनी के लिए मैंने जोसेफ फिलिप जोंची के पेंटिंग बनाए। आपने, अगर मैं सही में मुझे याद है, आपने उसको प्रदर्शित किया था नेल्सन मंडेला में। जी हाँ, वो पेंटिंग इस साल का। अच्छा। हाँ जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो मॉरिशन आर्टिस्ट है ना, उनको और ऐसे अन्य कलाकार भी हो सकता है वो भी आपसे प्रेरणा ले, और जो गायक हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगे कि उनका चित्र भी आप बना रही हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, और कुछ बहुत सारे चित्र आप देख रहे हैं, इधर भी है आप, ये भी बहुत सुंदर है ये जो चित्र है, इसमें क्या क्या दिखाना चाहते हैं जी? पहली बात तो ये पेंटिंग मैंने एक मोबाइल आर्ट एग्जीबिशन के उपलक्ष में बनाया था। मेरा एक अच्छा दोस्त है निशाल प्रभु, जो जाने माने कलाकार हैं। हाँ, तो उन्होंने जो है वो मॉरिशन कलर, जी हाँ, जो है हमारे झंडे के जो कलर है उसका बहुत प्रयोग करते हैं अपने चित्र में। जी हाँ, तो उसका एक संगठन है निश,
तो उन्होंने अन्य एनजीओज के साथ मॉरिशस में पहली बार एक मोबाइल ऑथ प्रदर्शनी का आयोजन किया था, तो उसी के निमंत्रण पे मैंने भाग लिया था। तो उस प्रदर्शनी के लिए एक थीम रखा गया था जो यूथ पे आधारित था। तो इस पेंटिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कंवल का फूल है, तो कंवल का फूल कीचड़ के ऊपर से खिलता है, फिर भी वो प्यूरिटी का प्रतीक कहलाता है। तो मेरे विचार में मनुष्य जब बच्चे के रूप में संसार में आते हैं तो वो भी शुद्ध होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो हमें कंवल की फूल की तरह उन्हें प्योर रखना है, और कैसे, अच्छा मार्गदर्शन देके और कीचड़ से दूर रखे। कीचड़ मेरे दिमाग में यहाँ समाज के जो बुराइयाँ हैं उनसे दूर रख के हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। इधर भी मैं देख रही हूँ, अगर मैं ये मैं देखकर बता सकती हूँ कि ये हमारे जो साउस में पितरें कुछ ऐसा है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना रत्नमाला जी। यूँ तो मुझे हाइकिंग का बड़ा शौक है, तो जब भी मैं मॉरिशस के हसीन वादियों में जाता हूँ तो बहुत सारी तस्वीरें लेता हूँ, और बाद में कुछ तस्वीरों को मैं पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। तो ये जो है ये जो रास्ता है जी, ये पितरे से होकर कुछ आगे से निकल रहे हैं, उनमें बहुत से मार्ग हैं। तो ये पेंटिंग एक्वारेल में जो वाटर कलर है इसमें इस टेक्निक का मैंने यहाँ प्रयोग किया है। अच्छा, क्या विदेश में भी आप अपने जो है चित्र है आपने कभी प्रदर्शित या प्रदर्शनी में भेजा है? जी हाँ, मैंने कई देशों में अपने रचनाओं को भेजा है, जैसे कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना, लिथुआनिया, इंडिया इत्यादि। बहुत अच्छी बात है। और पेंटिंग्स के अलावा कुछ और आप करते हैं? जी हाँ, मैं ज़्यादातर पेंटिंग करता हूँ, लेकिन बीच बीच में अन्य तकनीकों में भी प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि स्कल्पचर में भी हैं। अच्छा, स्कल्पचर्स में भी रुचि रखता हूँ। तो कभी कभी प्रेरणा हमें दूसरे कलाकार से भी मिल जाता है, जैसे कि मॉरिशस में बहुत अच्छे शिल्पकलाकार हैं, बहुत है हाँ। तो उन लोगों के काम को देख देख के मेरे मन में आया, क्यों ना मैं भी कुछ प्रयास करूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ने नेशनल आर्ट गैलरी के द्वारा एक 2019 में एक प्रदर्शनी की थी मेबर्ग म्यूज़ियम में। तो इसी के लिए मैंने ये दो मेटल स्कल्पचर्स तैयार किए थे। तो कभी कभी हमें प्रेरणा दूसरे कलाकारों से भी मिलता है। तो मॉरिशस में बहुत अच्छे शिल्पकार हैं, जैसे मेटल स्कल्पचर्स में निर्मल हरी जी हैं, विक्कू मौसिकदयाल हैं, बालकिशोर बिकन जी हैं। तो उन लोगों के काम देख देख के मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ प्रयास करूं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को अपनी हाथों से बनाते हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत, कितनी मुश्किल होती है। तो वे तो इस क्षेत्र के महारथी हैं, बहुत निपुण कलाकार हैं। तो अब मैं जब उन लोगों के काम को देखता हूँ तो और भी पसंद आता है, बहुत सराहता हूँ। जैसे ये है, जी हाँ, ये स्क्रैप मेटल से बनाया गया है। ये कौ का एक पॉट है और ये बाइसिकल का पॉट है। तो इसको मैनिपुलेट करके जुड़ कर तो मेटल स्कल्पचर्स किए हैं। और ये एक नाव, हाँ एक नाव, क्योंकि विषय ही था पुराने नावल स्ट्रक्चर्स के। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें रस्ट है, तो पुराना लगता पुराना है। हाँ। और ये कहाँ से, ये जो है गाड़ी की है या? हाँ, इसमें बाइसिकल स्पॉट्स हैं। हाँ।
रवि जी, ये पुरानी मेटल्स जो है? जी हाँ जी हाँ, ये मेटल्स पुराना लगता है क्योंकि वो फीम था, वो पुराने समय को दर्शाना था। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए हाँ। मैंने इसमें रंग भी नहीं लगाया, ये जैसा है बना है ऐसा ही है। अच्छा। जी हाँ। और आर्टवर्क्स तो अनेक प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्टवर्क्स होते हैं। कुछ आर्टवर्क्स तो मार्केट के लिए होता है, जिसमें एस्थेटिक पे या सुंदरता पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन और भी कई प्रकार के आर्टवर्क्स होते हैं, जिसमें कलाकार की सोच को, भावनाओं को और एक थीम पे किया जाता है। जैसे कि ये आर्टवर्क एक मिक्स मीडिया पेंटिंग है, आप देख सकते हैं इसमें पेंटिंग है और इसमें कोलाज भी है। इसमें मैंने चाय की सूखी हुई पत्तियों के साथ और टूटे हुए कांच को लेकर कोलाज किया है। इस आर्टवर्क का शीर्षक है टेम्पटेशन और एडिक्शन। तो जैसे कि चीनी अपनी ओर चींटियों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, तो उसी तरह से कुछ लोग ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ खींचते जाते हैं, लत लग जाती है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि मौत की तरफ भी ले जा सकती है। तो मेरा उद्देश्य इस पेंटिंग को बनाने के लिए एक संदेश है, एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तभी हमारे समाज, हमारा देश सुरक्षित होगा। ये लैंडस्केप लालोवा गांव का है, आप इसमें मुरिया पहाड़, पीटरबूफ माउंटेन को देख सकते हैं। ये मेबक का दिबाव का देर है और ये दोनों ऑयल पेंटिंग से बना है। रवि भिखारी जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारे अच्छे चित्र जो बनाए हैं और शिल्प कला में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखकर, आपको सुनकर मुझे लग रहा है, और ऐसे सुंदर चित्र को देखकर मुझे लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और केवल देखकर आंखों को प्रसन्न नहीं करना है, इसमें बहुत संदेश है, बहुत मतलब कि इसमें दिमाग लगाकर सोचना कि क्या आप दिखा रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। तो बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बातें करके, और आपके बहुत सारे चित्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप आगे बढ़ते रहें, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। जी हाँ रत्नामाला जी, और मैं आशा करता हूँ कि जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो आर्ट को अपनाएंगे। और मैं विनती करता हूँ उन माँ बाप को जिनके बच्चे अभी स्कूल में हैं, कि और विषय को चुने और अपने बच्चों को इस कला के प्रति प्रोत्साहन दे। तो रत्ना महाराज जी, मैं आपको और NBC की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। तो दर्शकों, यहाँ पर कला प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, कुछ भी कला के बारे में आप दिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ज़रूर आप आए, हमारे प्रोग्राम में भाग लीजिए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।